गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। अभी हम सब लोग रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं अभी टी मार्ट। जियो, ए जियो, तू कहाँ जा रहा है? डी मार्ट जा रहा है। डी मार्ट जाएगा। अच्छा, क्या लेके आएगा? डायपर। ओ चलिए, मिलते हैं आपसे। जब हम बाहर जाते हैं तो ये किस तरह से आके खड़े होते हैं। चेरू जा, अंदर बैठ जा बेटू, काम है ना, करके आते हैं। बाय। ये देखिए, ऐसा चेहरा देख के कहीं आपको जाने का मन करेगा, पर काम हो तो जाना पड़ता है। बेटू मेरा, मेरा बेटू का ये शर्ट कितना प्यारा लगता है इसके ऊपर, है ना बबलू? जियो घूमने के नाम पे ये टोपा अपने सर पे रखती है। घर में अगर आपने कभी देखा होगा तो इसका टोपा कभी नहीं रहेगा, इसको हम वो कपड़ा बांध देते हैं जिससे वो निकाल ना सके। सिर्फ बाहर जाती है तो उसको पता है कि टोपा रखना है तो रखती है, है ना जियो? अभी हम सारा सामान लेके आ गए हैं घर। अब लगी है बहुत जोर की भूख, अब मम्मी से पूछेंगे खाने के बारे में। तो मम्मी की हेल्प कर रही है किचन में, है ना जियो? वो अपना फ्रॉक लेकर आई है, अपना टोपा लेकर आई है। खाने में बन रही है दाल, उसमें चावल है, इसमें सब्जी है, यहाँ पर भी एक सब्जी है और रोटी, और जियो के लिए अलग से दाल। पहले हम अभी जियो को खाना खिला देंगे, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। जियो को इस चेयर में बैठने के बाद उसको चाहिए रहता है गाना, मैं तोता मैं तोता। ये है आज का लंच, बहुत ही टेस्टी खाना है। जब भूख लगती है तो मेरे को सबसे ज़्यादा जो पहले याद आता है वो है दाल चावल, और आज वही बना है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। वो शकाला का बूम बूम मैं आपने देखा था ना, कि वो एक कैट ड्रॉ कर देता था जब भी उसकी मम्मी उसको दूध देती थी पीने के लिए, तो वो कैट असली वाली आ जाती थी और सारा दूध पी जाती थी। वैसे मुझे लगता है ये जियो भी करने वाली है, उसको जो कुछ भी नहीं चाहिए होगा वो शेरू को खिला देगी, सिम्बू को खिला देगी। शेरू नहीं लेगा क्योंकि उसको लग रहा है कि जियो के हाथ का लेना उसको अलाउड नहीं है, है ना शेरू? शेरू यही देखिए, अब मैं उसको दूंगी तो तुरंत ले लेगा। शेरू मेरा बच्चा बहुत होशियार है। जियो दादा के साथ खेल रहा है मेरा बेटा। देखिए कैसा हो गया है, सन कितना अच्छा लग रहा है। नेचर की एक अपनी आर्ट होती है, कितना सुंदर तरीके से बनाया है। बनाया नहीं, मैंने बन गया है वो नेचुरली। हाँ। कितनी है ये बकरियाँ? कितनी है? अल्ली है। ये आज खेत, इतनी सारी शीप आ गई आज खेत में, और सिम्बू शेरू का बताइए कोई रिएक्शन नहीं, उन्होंने बहुत अच्छे से आराम से देख रहे थे इनको जाते हुए। जान कुत्ता आ रहा था तो शेरू देखिए उतने दूर आपको दिख रहा है, ये शेरू है, इतनी दूर हो जाके खड़ा हो गया। ये फेंस के अंदर था तो उस तरफ जा नहीं पाया, और शेरू बाहर तरफ था तो वो बहुत दूर चला गया है। आपको कैमरा में तो शायद ना दिखे, देख रहे हैं आप वो पेड़ के नीचे दो कुत्ता दिख रहा है, वो सिम्बू है, वो एक अनजान कुत्ते के पीछे भाग गया है। अब जब तक मैं आएगा पता नहीं। अभी चल, कम से कम ये बच्चे सुनते हैं तो वापस आ जाते हैं, तो ज़्यादा टेंशन मुझे नहीं होती। पहले मुझे बहुत टेंशन होती थी, मुझे नहीं पता था तब बहुत टेंशन हो जाती थी कि बच्चे दूर इतने चले जाए, वहाँ नहीं पता और कितने कुत्ते हो, उनको काट लेंगे या कुछ हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हुआ है कि शेरू को हम जब लीश बांध के, छोटा सा था तब, तो लीश बांध के हम उसको लेके जा रहे थे, और पता नहीं पीछे से एक फीमेल डॉग आई और उसने उसको काट लिया था। अब वो खेल में काटा कि क्या था मुझे नहीं पता, बट वो अचानक से आई और पीछे से उसके पैर में काट लिया था, तब वो बहुत छोटा सा था। तो
डर भी लगता है। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सुबह और शाम के अलावा अगर बीच में कभी एक इमरजेंसी होती है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे भाई कि उनके साथ घर में 24 घंटे कोई ना कोई एक इंसान रहता है। अगर उनकी तबीयत सही नहीं है तो डेफिनेटली उनके साथ कोई ना कोई रहता है, यूजुअली भी रहता है, पर कभी अगर ऐसा हो कि एक दो घंटे के लिए कहीं जाना है तभी हम लोग जाते हैं, वरना अगर ओवरनाइट हमें कहीं जाना होता है तो हम सब लोग एक साथ कभी नहीं जाते। अगर हम दोनों को जाना है, जैसे मैं और जियू, जियू के पापा, हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो हमको मम्मी को बुलाना पड़ता है, मम्मी रहेगी घर में तो हम जा सकते हैं, वरना हम नहीं जा पाते हैं। और या फिर ऐसा हो कि घूमने जा रहे हैं तो सब इनको सिम्बा शेरू भी साथ में चले, पर अगर अपने काम से हम लोग जा रहे हैं तो घर में कोई ना कोई इंसान उनके साथ रहता ही रहता है। इनको घर में अकेले छोड़ के कभी कोई नहीं जाता है। आधे एक घंटा मार्केट जाना हो कि बैंक जाना हो, कहीं काम से जाना हो तो ठीक है, ओवरनाइट हम उनको छोड़ के कभी आज तक नहीं गए। और ऐसी अगर कभी इमरजेंसी आती है कि हमको कहीं जाना ही है और कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है तो डॉग का हॉस्टल भी है, तो हम उन्हें डॉग्स के हॉस्टल पर रख देते। अभी तक एक आई थिंक दो बार ऐसा हुआ है कि हमको उनको रखना पड़ा है, तो हम पर इमरजेंसी के हिसाब से ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे दोनों बार वहाँ गए और आने के बाद उनको उतना अच्छा फील नहीं होता है। कहीं ना कहीं बोरेशन के थोड़ा सा साइंस दिखते हैं शेरू में, क्योंकि शेरू बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ बॉन्ड उसकी बहुत अच्छी है, और सिम्बा का ऐसा है कि वो थोड़ा सा मैच्योर हो गया है अभी, तो वो समझता है चीज़ों को। कहा गया सिम्बा, पहली बार जब छोड़ा था तब तो ठीक था, मतलब उसको वहाँ से जब लेके आए थे तो बहुत अनहाइजीनिक वो प्लेस थी, क्योंकि हमें और कहीं और जगह नहीं मिल रही थी तो हमने इमरजेंसी में उनको वहाँ रखा था, तो बहुत क्लीनलीनेस मेंटेन नहीं करते थे वहाँ पे। पर आपकी हेल्प हो जाती उतने टाइम के लिए, आप के बच्चे वहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, सब बढ़िया रहता है, पर थोड़ा सा अपन जैसे घर में हाइजीन मेंटेन करते हैं वैसे नहीं रह पाता है ऑब्वियसली, तो वो थोड़ी सी इशू मुझे पहली बार आई थी। और सेकंड टाइम मैंने जब रखा था तब वो प्लेस भी हाइजीनिक थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, पर वहाँ से जब मेरे बच्चे आए थे घर दो दिन के बाद, शायद दो या तीन दिन बाद मैं उनको वहाँ से लेकर आई, दो ही दिन के बाद लेके आई थी, तो तब इनके अंदर हो गए थे टिक्स। जी हाँ, वहाँ पे शायद घास रही होगी या कुछ था जिसकी वजह से वहाँ पे इनके बॉडी में टिक्स हो गए थे, जिसको सही करने में हमको बहुत कसर लगी, हमारी मतलब बैंड बज गई थी। बहुत टाइम लगता है टिक्स को जाने में, और इनका स्किन का मतलब इनके जो हेयर है वो ब्लैक है तो वो जल्दी दिखाई भी नहीं देते हैं, तो बड़ी दिक्कत हुई थी। और उस समय बारिश का मौसम था तो वैसे ही टिक्स हो जाते हैं, और इनके में मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई थी। सिम्बा वहाँ पे जाके जोर जोर से भौंक रहा है क्योंकि वहाँ पे एक पिग आ गया था। ये देखिए, आपको दिख रहा है ये जैसे सुअर दिखा उसको इतनी तेज से वो भागा है कि मैं क्या बताऊँ। पिग ऑल्सो विल काउंटर रिएक्ट ना ऑन देयर रिएक्शन, सबको सेल्फ डिफेंस की अकल तो सबको दी है भगवान ने, तो पहले मुझे डर लगता था पर अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अब वो लोग इतना समझदार हो गए हैं कि मतलब अपने आप को तो बचा ही लेंगे। आज तो शेरू, आज तो सब कुछ हो गया ना तेरे साथ, आज भेड़ी बकरी भी आ गई, आज अनजान कुत्ता भी आ गया, और आज सुअर भी आ गया, आज सब कुछ आ गया इस खेत के अंदर, और इन लोगों की अच्छी खासी कसरत हुई है पिछले एक घंटे से, बढ़िया से दौड़े हैं, अब ये बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, अब घर जाके पानी बहुत सारा पियेंगे, उनकी थकान उतार के खाना पीना खा के आज ये सोने वाले हैं भाई, कुंभकर्ण की तरह सोएंगे आज ये, क्योंकि आज इन्होंने बहुत शिद्दत से पूरा खेत के कम से कम 10 से 12 राउंड मारे हैं, अच्छी एक्सरसाइज हो गई उनकी। चलो, मैंने आपसे कहा था ना कि आज जितना ये लोग दौड़े हैं बहुत थक गए होंगे, थक के ऐसा पड़ गया है जैसे पता नहीं कितने दिन से मेहनत कर रहा था। शेरू,